हस्त। S4 जो देवता है ग्रीन कलर का, ग्रहस्थ। आप साउथ की तरफ आ गए हैं पूरी तरीके से, और ग्रहस्थ देवता को ही विवस्देव कहा गया है, विश्वदेव। विश्वदेव, विश्वदेव कौन है इसके बारे में लिखिए थोड़ा सा। विश्वदेव देवताओं के गण हैं जिन्हें देवगण कहा गया है। विश्वदेव देवताओं को, देवताओं के गण हैं जिन्हें देवगण कहा गया है। ये देवता प्रसन्न होने पर घर के व्यक्तियों को और घर को टूटने से बचाते हैं। ज्यादातर केसों में जो घरों में आजकल अलगावपन की दौर है, दूर होने का दौर है, वो साउथ की वजह से आता है। वो रिलैक्सेशन और फेम तो चाहते हैं कि हम आरामदायक जिंदगी, नाम, नेम, प्रसिद्धि तो हमें मिले, परंतु उसके साथ साथ वो ये जो गृहस्थ देवता है, यदि ये डिसबैलेंस है तो ये समझना वो कहीं ना कहीं इस चीज में कमी कर जाएंगे कि जो परिवार को एक साथ लेके चलने की क्षमता है, संतुलन की क्षमता है, परिवार को जोड़ के रखने की क्षमता है, वो गृहस्थ देव के पास है। विवस्देव इसका बहुत जगह नाम मिलेगा आपको, बुकों में विवस्देव नाम मिलता है, विश्वदेव नाम के रूप से प्रसिद्ध है। आगे लिखिए, विश्वदेव को डिफाइनर भी कहा गया है, समझने वाला। गृहस्थ या विश्वदेव को क्या कहा गया है? डिफाइनर, समझने वाला। ये क्या करता है? मन को कंट्रोल करने की शक्ति देता है, और दूसरा मन के दायरे को नियंत्रित करने वाली शक्ति व ऊर्जा प्रदान करना। मन के दायरे को नियंत्रित करने की शक्ति व ऊर्जा प्रदान करना। अब आप देखिए यहां पर व्यक्ति का इस समय जो प्लान है S4 के ऊपर, आप देखिए ये बेड आ रहा है, इस देवता के ऊपर बेड यहां स्थापित है। तो अब आप जो देवता ग्रस्त पढ़ रहे हैं, ग्रह जो विवस्देव है, तो इसके मेन क्या है, मैंने आपको बताया, ये क्या, समझने वाला, डिफाइनर है, मन को कंट्रोल करने की क्षमता देता है। वैसे भी ये कहा गया है, ध्यान रखना, S4 जो गेट है वो अच्छा माना गया है। अभी गेट का नहीं है क्योंकि, फिर भी पता होना चाहिए, S4 जो, जब हम गेट की बात करेंगे तो ग्रह देवता सबसे अच्छे रिजल्ट देता है गेट के मामले में। आगे लिखिए इसके क्या क्या गुणधर्म है। आत्मनिर्णय करने में मदद करता है, सभी इच्छाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, मान व सम्मान का दायरा बढ़ाता है। क्या परिणाम है इसके? परिणाम लिखिए, असंतुलित होने पर
व्यक्ति जिम्मेदारी वे अकस्मातिक रवैया अपना लेता है। अगर ये असंतुलित है तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता है और सडन अकस्मातिक रवैया अपना लेता है। जब मन में आएगा जब कुछ करेगा, जब नहीं आएगा मन में नहीं करेगा। नीले रंग के कारण यहां गलतफहमी और कोर्ट केस हो सकता है। यदि यहां पर आपने कोई जल से संबंधित कार्य कर रखा है या कोई गड्ढा कर रखा है तो यह आपके जीवन में असंतुलन का कारण है। यहां व्यक्ति के सोने से अच्छा व्यवहार और अनुशासन जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए इसकी प्राप्ति होती है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं एक बार, परिणाम के अंदर हूं मैं। अगर असंतुलित होगा तो जीवन में व्यक्ति जिम्मेदारियों को भूल जाएगा, अकस्मातिक रवैया अपना लेगा। नीले रंग के कारण यहां कोर्ट केस और गलतफहमियां एक दूसरे के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं। अगला पॉइंट है, यदि यहां पर जल से संबंधित कार्य है या कोई गड्ढा है तो व्यक्ति जीवन में अनुशासनहीन रहता है। और यदि यहां व्यक्ति सोता है, बेडरूम है, बेड लगाया हुआ है तो वह अच्छा व्यवहार करता है, जीवन में संतुलन और एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और एक दूसरे से रिलैक्सेशन अर्थात मान सम्मान कैसे लिया जाए, ये सब बातों का ध्यान रखता है। अब आप देखिए, ये जैसे यहां पर बेडरूम में कुछ हिस्सा इनका आ रहा है, गृहस्थ के ऊपर काफी हद तक कुछ हिस्सा यहां आपको मिलेगा देखने के लिए कि गृहस्थ का है। अगला देवता का नाम लिखिए यम। आगे लिखिए यम। यम देवता विवस्वान के पुत्र हैं। जो यम को बोला गया है, यम कौन है, यम किसे कहा गया है, वास्तु के अनुसार यम जो है भगवान विवस्वान के देवता है, विवस्वान के पुत्र है, सॉरी। इन्हें प्राणों का देवता कहा गया है। यम को अग्निकोण से विशेष संबंध है। यम का अग्निकोण से विशेष संबंध है क्योंकि अग्निदेव ही मृत आत्माओं को यम तक पहुंचाते हैं। आगे लिखिए,
गुणधर्म लिखिए, आत्मनियंत्रण और नैतिक कर्तव्यों को दर्शाता है। नैतिक कार्यों को दर्शाता है। जिम्मेदारी की भावनाओं को लागू करता है। न्याय का देवता माना गया है। यदि यम पीड़ित है तो व्यक्ति के अंदर आत्मनियंत्रण संकल्पों की शक्ति कमजोर होगी। यहां सोने से व्यक्ति स्वयं प्रेरित और आत्मनियंत्रण कैसे हो ये ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर प्रेरणा आती है। यहां पानी का भंडार या अंडरग्राउंड टैंक प्रेत प्रेतात्माओं या भूत बाधाओं का कारक होता है। हाँ जी, अगर किसी के यम पर यहां साउथ के अंदर पानी का गड्ढा है या पानी भरा हुआ है या कोई वाटर टैंक सीवरेज खुदा रखा है या आपने डब्ल्यूसी का गड्ढा खुदवा रखा है तो यह है प्रेत आत्माओं और गलत नेगेटिविटी जितने भी जो है काले जादू से संबंधित चीजों को शो कराता है। नोट करके लिखें, यम और रूल को फॉलो करने की शक्ति, यम क्या है, रूल को फॉलो करने की शक्ति, सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाए, नैतिक व्यवहारों में सुधार कैसे लाया जाए, इसका मेन कारक है। जिसके तीनों अच्छे होंगे वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली रिलैक्स फ्रेम अपने जीवन में ले जाएगा। यहां पर आपको क्या करना चाहिए, अगर ये अगर कोई दिक्कत में है तो आपने सुना होगा संगीत से संबंधित पियानो या कोई इंस्ट्रूमेंट जो संगीत से रिलेशन रखता हो, बांसुरी, या आप कोई भी ऐसा चीज जिसका अभ्यास करते हो म्यूजिक के लिए वो यहां पर लगाएंगे तो यम सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। और ये असंतुलित हो जाएगा तो जितना भी मैंने बताया सेल्फ आपका आत्मनियंत्रण है जो भी कंट्रोल करने की क्षमता है ये सारी की सारी विपरीत हो जाए। अगले पर आते हैं गंधर्व। गंधर्व क्या है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, भावों को व्यक्त करने की शक्ति। भावों को व्यक्त करने की शक्ति, नोट करके लिखें, शरीर के अंदर अमृत तत्वों को
संरक्षित करने की शक्ति को गंधर्व कहा गया है। संरक्षित मतलब सुरक्षित रखने की शक्ति को गंधर्व कहा गया है। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग समझो पहले, क्योंकि गंधर्व के नाम से आपको भी इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो गंधर्व जो है, गंधर्व किसे कहते हैं पहले ये समझिए। गंधर्व किसे कहा गया है पहले इसे समझिए। संगीत में कुछ अच्छे लोगों को गंधर्व कहा जाता है, अर्थात जो लोग संगीत का विवेचन करते हैं, संगीत को अपने जीवन बनाते हैं, तो संगीत के में जो नेम फेम लोग हैं उनको गंधर्व का नाम दे दिया जाता है। अब पहले इसको अभी लिखें, लिखते हुए भी चले, जैसे संगीत में अच्छे लोगों को गंधर्व कहा जाता है, लिख लें। आगे लिखें इसी के अंदर। अब जब थोड़ा सा आप जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, वो जान जाएंगे। जब कभी भी आप घर में पूजा पाठ कराते तो आपने सुना होगा एक वास्तु मंडल बनता है घर में। जब पंडित जी लोग आते चौकियां बनाते हैं तो एक वास्तु मंडल की चौकी बनाते हैं, एक बनाते हैं सर्वभद्रो चक्र मंडल। तो दो तरह के मंडल और भी कई तरह की चौकियां बनती हैं, पर मुख्यतः लोग आपने देखा होगा सत्सला का भी नाम ले देते हैं, सर्वभद्रो चक्र भी बनाते हैं, वास्तु मंडल भी बनाते हैं, 81 पद का डेरिया सी लगा देते हैं, काले काले रंग की 81 डेरिया लग जाती है। तो यहां मैं बताना क्या चाह रहा हूं, पहले लिख लीजिए बलाइन को, वास्तु मंडल में तथा सर्वभद्रो मंडल में गंधर्व नाम की देव जाति का वर्णन आता है। ये जो 45 देवता आए हैं ये ऑलरेडी हमारे किसी ना किसी रूप में, कोई वास्तु मंडल में, कोई द्वादश आदित्यों में, कोई पंचतत्वों में, कोई दिग्पालों में, कोई क्षेत्रपालों में, ये कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। उन 45 का चुनाव किया गया है। तो वास्तु मंडल के अंदर, अब आप कहेंगे गंधर्व, गंधर्व इसलिए बताना जरूरी है कि देवता की करैक्टर कहां से मिलती जुलती, क्यों उसको उस तरह का नाम दिया गया। वास्तु मंडल में और सर्वभद्रो मंडल में जो गंधर्व नाम की देव जाति है, इनका वहां वर्णन मिलता है गंधर्वों के बारे में। गंधर्वों के पास, लिखें आगे, गंधर्वों के पास विद्या को सिद्ध करने की शक्ति, अभ्यास व रियाज करने की पावर होती है। अब आप गंधर्वों के पास विद्या को सिद्ध करने की व अभ्यास व रियाज करने की शक्ति होती है। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि सर वास्तु शक्ति चक्र के अंदर जो गंधर्व है वो S6 है, साउथ साउथ वेस्ट जोन के अंदर है, पर उसका जो एट्रीब्यूट्स है, करेक्टर है, वो एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल है। यहां एक्सपेंडिचर का मतलब है, ध्यान से देखना, आप आज आपको लाइन समझ में आई, अब तक आप एक्सपेंडिचर यही समझ रहे हो, खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब है किसी भी चीज को बड़े रूप में फैलाव देना। तो यहां इस देवता के पास विद्या को सिद्ध करने की शक्ति है, अभ्यास बढ़ाने की शक्ति है और रियाज करने की शक्ति है। यदि किसी व्यक्ति को संगीत में कोई भी विद्या को कंठस्थ करना है, या किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी चीज का रियाज करना है,
तो उसे गंधर्व देवता पर बैठकर करना चाहिए, इजिली वो एक्सप्लोर कर जाएगा, अपने हुनर को बढ़ाने के लिए। या दूसरी भाषा में बोल देता हूं, जीवन में अपने शौक को प्रैक्टिस कराने के लिए, जो भी आपका शौक है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए गंधर्व देवता को चुनना चाहिए। गंधर्व के अंदर ही वो पावर है जो व्यक्ति को सिद्धि देती है, जो भी आपकी क्वालिटी है उसकी सिद्धि बना देगी वो। हाँ, गंधर्व देव, ये ध्यान रखना विशेष रूप से, मैं केवल अभ्यास या अभ्यास की बात कर रहा हूं, ये नहीं आप पूरे दिन यहां बैठेंगे तो गड़बड़ी भी होगी। जब आप ज्योतिष पढ़े, वास्तु पढ़े, तो इस देवता के ऊपर बैठकर पढ़े। अब देखिए, मैंने यहां लिखवाना है, सबसे पहले जो लोग संगीत के क्षेत्र में है, म्यूजिक के क्षेत्र में है, या किसी भी शौक रूपी खेल के रूप में है, यदि वो इस पद पर खड़े होकर, इस पद पर बैठकर रियाज करते हैं, तो यह विद्या सिद्ध हो जाती है जो भी वो कर रहा है। तो गंधर्व, हमेशा ये ध्यान रखना, निखालस जो साउथ साउथ वेस्ट है वो डिस्पोजल का काम तो करता है, क्योंकि तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी जब आप ये करेंगे। डिस्पोजल तो वो करेगा, परंतु वो आपको एक्सप्लोर भी करेगा, बढ़ावा भी देगा, आपकी चीजों को बढ़ाएगा, एक्सटेंड करने का काम। अब चाहे उसे खर्चा, लोग आजकल उल्टा लेते हैं, किसी खर्चा बढ़ाने का काम, खर्चा नहीं है वो, आपकी विद्या को बढ़ा रहा है। आगे लिखें, यहां लिविंग रूम, अगर इस देवता के ऊपर लिविंग रूम है तो लोग हर समय पार्टी के मूड में रहते हैं। आपने देखा है ना, बहुत से लोग भैया पार्टी कब दे रहा है, पार्टी कब दे रहा है, यही पूछते रहते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, आप समझना कि उसका लिविंग रूम या उसका सोने का स्थान गंधर्व देवता के ऊपर आ रहा है। आगे लिखें, यहां सोने से बुरे विचार आते हैं, अगर यहां पर किचन है तो व्यक्ति वैरायटी चाहेगा, बहुत वैरायटी चाहिए खाने में उसको। यहां पर आप टीवी म्यूजिक सिस्टम या कोई भी मनोरंजन की चीजें रख सकते हैं, और यहां शराब भी रखी जा सकती है। कुछ लोगों ने बहुत पूछा था, यहां शराब रखी जा सकती है, शराब का ठेका हो सकता है, ठेके की बात नहीं कहूंगा, केवल शराब रखी जा सकती है। आगे बढ़िए इसी में थोड़ा सा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, होटल का व्यवसाय इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा होता है। होटल का व्यवसाय, जो होटल होता है अपना, होटल का व्यवसाय बिजनेस यहां सबसे अच्छा माना गया है। इस देवता के ऊपर यदि काउंटर है होटल का, तो आपको हमेशा बढ़ोतरी मिलेगी। अब ये गंधर्व में है मैडम, छुड़वानी नहीं है, रखने का विचार है। जैसे अभी समझो, मैं बताऊं ये क्या कर रहा है, जैसे मान लो हमने डिस्पोजल में कर दिया, जिसकी मैंने रखने का बोला है, पिएगा नहीं वो, रखने के लिए अच्छी है ये। दोनों सेंटेंसों को समझा देता हूं दोबारा, यदि शराब किसी के घर में रखनी है केवल, तो अच्छी जगह है, पिएगा नहीं वो, क्योंकि वो डिस्पोजल में जा रही है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप पीने का मन को हटा देगी। हाँ, कह सकते हैं। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पर,
अब होता क्या है, कभी आपने देखा होगा आपको एक्सप्लोर हो जाएगा तो नहीं इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं बताता हूं, यहां हमेशा मैंने एक वर्ड शुरू में लिखवाया था फर्स्ट पॉइंट पे, शरीर के अंदर अमृत तत्वों को संरक्षित करने की शक्ति देता है। अर्थात जो भी व्यक्ति किसी चीज का रियाज करेगा वही चीज यहां बढ़ेगी और रखी हुई चीज सब डिस्पोजल में जाएंगी। अब जैसे समझिए, आप 5 मिनट अपनी जीभ को ऊपर तालू से रोक के रखना इस तरीके से और मुंह बंद कर लो। आप एक एक मिनट से प्रैक्टिस शुरू करना और धीरे 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 से 5 मिनट पे लेके आना है। ये जीभ ऊपर तालू से रखी लगी रहनी चाहिए। जो इसमें 5 मिनट भी कवर कर लेगा वो इस पॉइंट के महत्व को समझ जाएगा। मैंने क्या लिखवाया है, शरीर के अंदर अमृत तत्व को संरक्षित करने वाली शक्ति प्रदान करता है। अब मैं इसको बहुत बड़ा एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये बोल सकता हूं, जितने भी बॉडी के अंदर रियाज करने से जो तत्व उत्पन्न होता है, अमृत जो उत्पन्न होता है, वो केवल जीभ को तालू पे लगाए रखने से ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे अभी ये सेंटेंस थोड़ा आपके लिए समझना कठिन होगा, आपने कभी देखा है, कभी आप लोग म्यूजिक की प्रैक्टिस करिए और सारे गांव गाएंगे, जब आप तो जब आप एक धुन में आ जाएंगे, एक लय में आ जाएंगे, तो आप देखिए हमेशा वो सारे गांव पादे का ही गाते रहते हैं और हर गीत के अंदर, हर संगीत के अंदर वो रियाज जो होता है सारे गांव पादा, वो उसी सेंटेंस के हिसाब से वर्डों को आपने देखा उसमें हर तरीके से आता है। कोई भी म्यूजिक आप उठा लीजिए उसकी जो लाइनें बनेंगी, जो गाया जाएगा वो सारे गामा के हिसाब से ही गाया जाएगा। इसी प्रकार जब आप किसी हुनर को, अर्थात जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जब उसे आप प्रैक्टिस देंगे बार 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 बार, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक संरक्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है जो अमृत बनकर हमारे लिए, चाहे वो आगे रोजगार का काम करें और चाहे हमारी बॉडी में ऊर्जा का काम करें। हर व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई एक शौक होता है। कुछ लोगों को पढ़ने का शौक होता है, किसी को स्विमिंग का शौक होता है, किसी को गेम का शौक होता है, किसी को खाने का शौक होता है। कोई ना कोई क्रिया उस व्यक्ति के जीवन में अटैच्ड होती है। अगर इवन यही बोल देता हूं मैं, यदि पार्क जाने का भी शौक है तो वो शौक है। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई शौक नहीं है तो गंधर्व ये समझ लीजिए पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। वह व्यक्ति अपने जीवन में नई ऊर्जा व अमृत तत्व को संरक्षित नहीं कर सकता। अर्थात उसका सेंटेंस अब क्लियर कर देता हूं, वह अपने जीवन में कभी भी मोटे रूप में व्यवसाय में सफल नहीं हो सकता। वही व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में सफल होता है जिन लोगों का गंधर्व देवता एक्टिव होता है। ये कह लीजिए, अब मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, गंधर्व है रुचि, गंधर्व है आपके अंदर की ऊर्जा को संरक्षित करना। अर्थात जो रियाज से आप ज्योतिष पढ़ने से जो ज्ञान उत्पन्न करेंगे और जो उसे इकट्ठा करके स्टोर करेंगे, जो आपको आत्मानुभूति होगी, वो गंधर्व है। समझ पाए? तो जो जीव, तो जो आप जीव को तालू से लगा रहे हैं वो केवल गंधर्व की शक्ति को उत्पन्न करने के लिए लगवा रहा हूं, उसका शॉर्ट नियम बता दिया है। ये जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन आया है कि रावण अपने जो अमृत तत्व था, जो सहस्त्रार्थ जो हमारा ऊपर जो 7 चक्र होता है, इस चक्र से अमृत टपकता है और वो जो नीचे तालू की जीव टच होती है वो उसको ग्रहण करती है।